हाय डियर ऑल, मैं डॉक्टर मंजूषा आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंसर में। ओलंपियाड एग्जाम्स आर बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्टेड बाय वेरियस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ओलंपियाड एग्जाम का मेन एम है बच्चों में इंटेलेक्चुअल स्किल डेवलप करना, लॉजिकल स्किल डेवलप करना और उनकी रीजनिंग स्किल को एनहांस करना। Nowadays, competition is so tough that it is urgent or it is required to develop different skills among the student from the beginning. अपनी पोटेंशियल को दिखाने के लिए और अपनी स्किल की एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए ओलंपियाड एग्जाम्स प्ले अ क्रूशियल रोल। Approximately 25 different organizations are there who conduct Olympiad examination. So some of the major organizations are SOF, HBCSC, Crest, Silver Zone, ASET, then there is Unified, Terry, Hummingbird and Unicus. And अब मैं 4-5 उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगी जो कि ज़्यादा पॉपुलर हैं। सो फर्स्ट वन इज़ द SOF दैट इज़ साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन, जो कि क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए ओलंपियाड करवाती हैं एंड 7 to 9 डिफरेंट सब्जेक्ट्स को ये कवर करती हैं, जैसे कि NSO नेशनल साइंस ओलंपियाड, then NCO National Cyber Olympiad, then IMO International Mathematics Olympiad, then International English Olympiad, then International Commerce Olympiad, then International GK Olympiad. इसके बाद हम बात करते हैं क्रेस्ट ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक के बच्चों के लिए ओलंपियाड करवाती है एंड ये 6 डिफरेंट सब्जेक्ट में ओलंपियाड करवाती है, जैसे क्रेस्ट साइंस ओलंपियाड, क्रेस्ट मैथ्स ओलंपियाड, क्रेस्ट इंग्लिश ओलंपियाड, क्रेस्ट साइबर ओलंपियाड और क्रेस्ट रीजनिंग ओलंपियाड एंड क्रेस्ट स्पेल बी ओलंपियाड। नेक्स्ट वन इज़ द सिल्वर जोन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी सब्जेक्ट्स में ओलंपियाड कंडक्ट करवाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स ये तो हैं ही, इसके अलावा ये सोशल स्टडी सोशल साइंस में करवाती हैं, ये जीके में करवाती हैं, ये जूनियर हंट करवाती हैं, ये फ्रेंच में करवाती हैं, ये हिंदी में करवाती हैं। सो दे कवर वास्ट रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द एसेट। एसेट इज़ द लार्जेस्ट एसेसिंग कंपनी। ये अपने एग्ज़ाम हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स के अलावा सोशल साइंस एंड हिंदी में करवाती है एंड ये जो है आपकी अफ्रीका, सिंगापुर, UAE एंड गल्फ़ के कंट्री के करिकुलम को भी कवर करती है। एंड नेक्स्ट वन इज HBCSC दैट इज़ होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। ये करवाती है आपके एग्ज़ाम एस्ट्रोलॉजी, जूनियर साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स में। एंड इसके जो एग्ज़ाम होते हैं वो दो डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। तो जो पहला फॉर्म है एग्ज़ाम का वो है HBCSC IMO मीन्स इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड, जो कि 6 डिफरेंट स्टेज में होता है एंड 5 जो स्टेजेज हैं इसकी वो इंडिया में होती हैं एंड 6 स्टेज बाहर कंट्री में होती है और वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री उसका मेंबर बनती है एंड वो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है एंड हर साल वो जो मेंबर कंट्री होती है वो चेंज होती है। एंड जो सेकेंड एग्ज़ाम है वो है HBCSC ISO मीन्स इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड। नाउ आई टॉक अबाउट द पार्टिसिपेशन। ऑल द ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर पार्टिसिपेशन थ्रू स्कूल ओनली and school provides the platform to the students and also guides student time to time regarding the exam, and there are few organization, for example Crest and NSTSE is organized by Unified. They they take direct individual registration. Now we talk about the curriculum. ओलंपियाड का जो करिकुलम है वो CBSE, ICSE एंड स्टेट बोर्ड बेस्ड होता है एंड जो क्वेश्चन पेपर है दैट इज़ बेस्ड ऑन MCQ टाइप एंड द क्वेश्चन पेपर पैटर्न it varies from organization to organization. For example, NSO में class 1 से लेके class 4 तक के बच्चों के लिए 35 questions are there, while for class 5 to class 12 50 questions are there. So if you want to know more about the question paper pattern, you can visit their site, and there is no negative marking, and the questions are conceptual based and little trickier. Now question arises, how to practice for Olympiad. So Olympiad की practice करने के लिए आप previous year के papers ले सकते हैं and Olympiad books are also available there, and you can get that study material from the organization through school as well, and there is enough material on the internet. You can download from there, and आपके जो ओलंपियाड की प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ता है, बल्कि स्कूल की स्टडी के साथ ही साथ अगर आप कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस या ट्रिकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाती है. एंड सम स्कूल्स ऑल्सो प्रोवाइड ओलंपियाड वर्कशीट्स, एंड nowadays there are live online classes as well. Olympiad exams are conducted at two different levels, level 1 and level 2. Level 1 is held at zonal level and level 2 is held at national as well as international level. Grade 1 and grade 2 के students के लिए केवल level 1 तक का exam होता है, बाकी rest of the student that is from grade 3 till grade 12 they are eligible for level 2. अब मैं यहाँ ये क्लियर कर दूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय जोनल. लाइक इन इंडिया 4 डिफरेंट रीजन्स आर देयर, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. हर रीजन के अंडर कुछ जोन्स आते हैं, सो टोटल 25 जोन्स आर देयर इन इंडिया. ओके, तो वन जोन इज एसोसिएटेड विद 2 और मोर देन 2 स्टेट्स. अगर मैं एग्जाम्पल लूँ यूपी का, तो यूपी से एग्जाम देने वाला बच्चा के जोन में आएगा, यूपी भी और उत्तराखंड भी आएगा. ओके, now I talk about the criteria, eligibility criteria for level 2. हर participating school का each class का जो topper होगा, अगर वो 50% marks score कर रहा है तो he will be eligible for second level. इसके साथ शर्त ये है कि उस particular class से minimum participation should be of 10 students. And second criteria ये है कि आपका at least top 5% of student class wise should be there, and third criteria है हर जोन से 25 rank holders from each class. तो अगर आप इन तीनों में से किसी एक भी कैटेगरी में फॉल करते हो then you will be eligible for the second level exam. जो फर्स्ट लेवल एग्जाम है वो स्कूल में ही होता है, एंड जो सेकेंड लेवल एग्ज़ाम है उसका आपके पास इंटीमेशन आता है, आपके पास एडमिट कार्ड आता है, एंड उसका सेंटर कहीं पास में और होता है. एंड जो ओलंपियाड एग्ज़ाम है जनरली जुलाई के मंथ से इनके रजिस्ट्रेशन के लिए सर्कुलर्स आने शुरू हो जाते हैं, एंड सेकेंड लेवल जो एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट फरवरी मार्च के मंथ में होता है. नाउ अबाउट अवार्ड्स. लेवल 1 अवार्ड्स, हर पार्टिसिपेटिंग स्कूल के हर क्लास के 3 टॉपर बच्चों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, उसके साथ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं. एंड फॉर सेकंड लेवल विनर्स गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल के साथ सर्टिफिकेट, एंड अलोंग विद दीज 2 कैश प्राइज इज ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड. Now we talk about what is the benefit of participating in Olympiad exam. Number 1, it identifies the true potential, interest and aptitude of the child. And second thing, it enables to recognize strength and weaknesses of the child. And next one is, if a child practice for Olympiad, then he scores good marks in school exam also. And next is, it enables the child to focus in concept, and last one is, it is one of the useful exam for future competitions. So thank you for watching the video, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।